मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ रात के समय, और आज थोड़ा सा हल्का सा टूर कराऊंगा कि कैसे सब चीज़ होता है। हॉस्पिटल जाने की तैयारी आप देख पा रहे हैं, मैंने साइड में ही अभी रोका हुआ है, और आज थोड़ा सा जर्नी आपको दिखाऊंगा कि मेरा कैसा जर्नी रहता है। और आपको पता है कि मैं YouTube पे सुबह 11 बजे पढ़ाता हूँ और रात को मेरी ड्यूटी रहती है, और मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा हॉस्पिटल का थोड़ा सा लुक भी दिखाऊंगा कि कैसे सब चीज़ रहता है। थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे क्योंकि मैं बहुत लेट भी हो रहा हूँ आज, तो थोड़ा बहुत दिखाएंगे आपको, थोड़ा इससे आप इंस्पायर होंगे, एंड दिस इज़ काइंड ऑफ मोटिवेशन वीडियो, ताकि आपकी ज़िंदगी भी ऐसे कुछ हो जिसमें आप हॉस्पिटल जाएं, किसी पेशेंट को देखें। मेरी आवाज़ वगैरह थोड़ी मतलब ख़राब सी आ रही होगी, बिकॉज ये डायरेक्टली फ़ोन का है, और फ़ोन का ही है ये डायरेक्टली, हेडफोन वगैरह नहीं है। तो मैं आगे भी और आपको दिखाऊंगा बीच बीच में रोक रोक के, चलते हुए भी कोशिश करूंगा कि ले सकूं, ठीक है? तो चलिए आगे चलते हैं। तो जाना शुरू कर चुके हैं हम, मैं आपको हॉस्पिटल में जाके दिखाऊंगा कि कैसे सब चीज़ होता है, कैसे अरेंजमेंट है, कोशिश करेंगे, बट ज़रूरी नहीं है क्योंकि इस समय हॉस्पिटल में ज़्यादा फ़ोन करना, मतलब फ़ोन यूज़ करना अलाउड भी नहीं है, चाहे वो डॉक्टर हो, पेशेंट हो, या कोई भी अटेंडेंट हो, ये कुछ प्रोटोकॉल है अभी कोरोना की वजह से, बट कोशिश करेंगे अंदर तक तह तक जाके दिखाएं आपको, ताकि आप इंस्पिरेटेड हो और इससे फ़ायदा उठा सकें। फाइनली हम लोग बीच रास्ते में पहुंच चुके हैं, और महज यहां से मुझे लगता है कि 10 मिनट के आसपास हम लोग पहुंच जाएंगे। इधर देखते रहिए, काफ़ी इस समय भी ट्रैफिक होता है, बाकी थोड़ी आवाज़ वगैरह कम आ सकती है बिकॉज मैंने माइक वाइक नहीं लगाया है, और बस ये रैंडमली है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं तो थोड़ा जाते समय दिखाइएगा, तो देखते हैं कि कैसे है। और इतना प्रोफेशनल टाइप का वीडियो तो नहीं बन पाएगा, बट हाँ आप बहुत इन्जॉय ज़रूर करेंगे, और जब हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ जब आप देखेंगे चीज़ों को, तो वाकई बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी आपको उन सब चीज़ों से, क्योंकि जब हम जिस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और आउटपुट आपको लक्ष्य नज़र आ रहा है इस सब चीज़ों से, तो काफ़ी अच्छा लगता है इन सब चीज़ों को देख के ना। तो आइए बस चलते हैं। फाइनली हॉस्पिटल में आ चुके हैं, और बस मैं जल्दी भाग रहा हूँ, तो फाइनली लेट हो जाऊंगा तो फिर अंदर होगी, बैकग्राउंड भी आवाज आ रही होगी, सो या आवाज़ हम लोग पीछे से जा रहे हैं क्योंकि कार पार्किंग इधर ही है। आपने न्यूज़ वगैरह में आगे का फोटो देखा होगा LNGP का, बट दिस इज़ द बैक साइड, बहुत सारे रास्ते हैं अंदर जाने के लिए, फटाफट हम आगे जाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल के वजह से किसी को अलाउड नहीं है। दिस इज़ अ कॉमन वार्ड एंड इट्स अ इकोनॉमिक वार्ड एंड दिस इज़ नॉट अ कोरोना वार्ड एक्चुअली, और यहाँ पे देख पा रहे हैं बहुत सारे पेशेंट्स लेटे हुए हैं, बहुत सारे तो नहीं, खाली खाली सा लग रहा है, बट फिर भी चलिए, तो एक छोटा सा ही था क्योंकि इससे ज़्यादा हम नहीं करा पाएंगे, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, बाकी कभी और आपको दिखाएँगे मतलब कैसे क्या होता है हॉस्पिटल के सिनेरियो, कैसे होते हैं, कैसे पेशेंट्स हैंडल किए जाते हैं, धीरे धीरे आपसे रूबरू कराएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ भेजे थे उसमें क्या है,